हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्पार्कल एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज मैं एसएससी जीडी भर्ती 2018 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाला हूं। बहुत से बच्चे जो है कन्फ्यूजन में हैं बहुत ज़्यादा कि इसमें एज क्या रहने वाली है, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी हुई है, इसमें रनिंग कितनी मांगी हुई है। इन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे आज, तो ध्यान से देखना इस पूरी वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट मिस ना कर सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम मुद्दे पर आते हैं, इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, देखिए, इस भर्ती को लेकर बहुत से लोग कन्फ्यूजन में हैं और ये कन्फ्यूजन जो है क्रिएट किया है एक सरकारी रिजल्ट.com जो वेबसाइट, उस वेबसाइट ने बच्चों को कन्फ्यूज कर दिया था। और आज मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, आपका फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। देखिए, एसएससी जीडी की ये जो भर्ती है शुरू होने वाली थी 21 जुलाई से, लेकिन किसी कारण इन्हें कुछ दिन पीछे हटा दिया गया है और ये 21 जुलाई से शुरू नहीं हुई। देखिए, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को ये है कि इसमें एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या है। तो योग्यता जो है वो 10वीं पास है या फिर 12वीं पास, तो इस चीज़ को लेकर के बच्चे बहुत कंफ्यूज थे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 10वीं पास है, तो आप 10वीं पास से इस फॉर्म को भर सकते हो। योग्यता आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और इसमें आपको आपसे कोई परसेंटेज नहीं मांगी गई है, केवल आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए और डिवीज़न से कोई लेना देना नहीं है। केवल आप इसमें आपके केवल पासिंग मार्क्स मांगे गए हैं, डिवीज़न से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये रही आपकी एलिजिबिलिटी के बाद, आगे देखते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं एज पर। तो एज की अगर मैं बात करूं तो 18 से 23 साल इसमें एज मांगी गई है, 18 से 23 साल के बीच, ठीक है, एज जो होनी चाहिए आपकी इतनी होनी चाहिए। और एससी ओबीसी के वालों के लिए थोड़ी छूट दी है, यानी ओबीसी वालों के लिए 3 साल की इसमें छूट है और एससी वालों के लिए 5 ईयर्स यानी 5 साल की इसमें छूट दी गई है। देखिए, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 1/8/1995 से 1/8/2000 के बीच आपका बर्थ होना चाहिए, आपका जन्म होना चाहिए, तभी आप इसके लिए योग्य हैं। ये मैं जनरल की बात बता रहा हूं। और एससी ओबीसी वालों के लिए इसमें छूट दी गई है, ठीक है, और एसटी वालों के लिए भी छूट दी गई है। अब बात कर लेते हैं हाइट। जैसे कि आप जानते हो, हाइट जो है 170 सेंटीमीटर इसमें मांगी गई है, इसमें कोई किसी के लिए छूट नहीं दी गई है। तो इसमें 171 आपकी हाइट मांगी गई है और उसमें एससी वालों के लिए छूट है, ठीक है। और बात कर लेते हैं हम दौड़ की। देखिए, कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि सर पहले दौड़ होगी या फिर पहले रनिंग होगी या पहले एग्ज़ाम होगा। तो मैं आपसे बता दूं कि पहले आपका रिटर्न होगा, उसके बाद ही दौड़ होगी। तो दौड़ में जो है 5 किलोमीटर मेल के लिए है, 5 किलोमीटर दौड़ जो मेल के लिए है 24 मिनट में, जबकि 1600 मीटर की जो फीमेल के लिए है, 1600 मीटर की दौड़ फीमेल के लिए 8.5 मिनट में, तो 8.5 मिनट में फीमेल के लिए है 1600 मीटर की दौड़। तो ये रिटर्न के बाद होगी, पहले नहीं होगी, पहले रिटर्न होगा आपका। तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। तो ये ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को यही था कि सर पहले दौड़ होगी या पहले रिटर्न होगा। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। और इसमें फॉर्म भरते वक्त आपसे प्रेफरेंस मांगी गई है कि आप किस चीज़ में आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे बीएसएफ या सीआईएसएफ या फिर सीआरपीएफ, इनमें आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।